मोटो ब्लॉग कम्युनिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं द यूके जुर्स में राइडर और आमिर वाजिद के बारे में। तो कल आमिर की तरफ से एक स्टोरी आया जिसमें वो बताया कि वो 10 मार्च यानी आज BMW 8000 RR का डिलीवरी लेंगे। कल हमारी बाइक की डिलीवरी है 10th of March 10 बजे चंडीगढ़ BMW से, एंड ऐसी डिलीवरी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। CEO ऑफ KDM हमारे साथ होने वाले, हमारे जय पाजी, ऑफिशियल भगत और जितना भी अपने आर्टिस्ट हैं, एंड ऐसी डिलीवरी आपने कभी नहीं देखी होगी रेगना। और मैं खुद आ रहा हूँ चंडीगढ़, और फिर मैं चला के लेके जाऊंगा उसको जम्मू। यूके जोसेफ की तरफ से कल एक व्लॉग आया जिसमें वो बताया कि वो भी 10 मार्च यानी आज ही के दिन BMW 8000 RR का डिलीवरी लेने वाले हैं। गाइस 10 मार्च 2023 को हमारी BMW 8000 RR की डिलीवरी है गाइस, प्रो वर्जन। यही बस एक आखिरी सेगमेंट बच गया था गाइस अपनी सुपर बाइक के उसमें, एंड लोग ना एक्चुअली में बहुत एक्साइटेड है कि बाबू भैया BMW 8000 RR कब आ रही है। मैं आपको बता दूं तो गाइस अब तक की सबसे सुंदर बाइक होगी, एंड फिर आगे की राइड हम लोग उसी बाइक पे करेंगे। एंड आपको बता दूं कि आमिर वाजिद अपनी बाइक का डिलीवरी चंडीगढ़ से ही लेने वाले हैं, लेकिन द यूके जर्सी में राइडर जो BMW 8000 RR प्रो ले रहे हैं वो भी चंडीगढ़ से ही ले रहे हैं, लेकिन जो डिलीवरी होगा वो उनके डायरेक्ट घर पर होगा। इससे रिलेटेड यूके जर्सी में कुछ स्टोरी पोस्ट किए, आप खुद देख लो। तो यार इतने सारे लोग ना गुड न्यूज का वेट कर रहे थे, मैं आपको बता देता हूँ गाइज, कल हमारी BMW 8000 RR प्रो की डिलीवरी है गाइज। एंड इस बारी हमने सोचा कुछ स्पेशल करते हैं, तो हमने BMW को फोन मिलाया। मैंने कहा इस बारी कुछ स्पेशल करते हैं, कल BMW चंडीगढ़ से एक पूरा ट्रक आएगा गाइस, जो नई सुपर बाइक घर पे डिलीवर करेगा। एंड अभी आमिर की तरफ से एक इंस्टाग्राम रील आया जिसमें वो फाइनली BMW 8000 RR का डिलीवरी ले लिए हैं। एंड आमिर वाजिद के मीटअप के कुछ फुटेज वायरल हुआ जिसमें पुलिस उनके सब्सक्राइबर्स पर लाठी चार्ज कर रही है, आप खुद देख लो। एंड कल आमिर की तरफ से एक व्लॉग आया जिसमें बहुत से लोग उनके वीडियो पर ये कमेंट कर रहे थे कि आप जो न्यू सुपर बाइक ले रहे हो उसे भी सील कर दोगे, जिसका रिप्लाई करते हुए आमिर अपने वीडियो में कुछ ये कहे कि भाई बाइक तो लेने वाले हो तुम, बाइक बेच दोगे। भाई देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, कोई भी क्रिएटर, कोई भी लड़का कभी भी अपनी सुपर बाइक या फिर कार कभी सेल नहीं करता। मैं तुम्हें मेन चीज बताता हूँ, मैं मेरे माँ बाप के अगेंस्ट कभी नहीं जाता। मेरे पेरेंट्स अगर कोई चीज बोल रहे हैं कि आमिर ये चीज नहीं रखनी है तो मैं वो चीज नहीं रखता। बट मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि जो कलेक्शन हमारे पास बाइक का था एंड तुम्हारा बाइक 2023 में, उससे भी बड़ा बाइक कलेक्शन बनाएगा, अपने पास सारी बाइक्स रहने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं मोटो ब्लॉगर जानू स्टंट के बारे में। तो जानू स्टंट की तरफ से कुछ स्टोरी आया जिसमें जानू स्टंट मानिक अत्री ब्लॉग्स की न्यू सुपर बाइक लेने के लिए दिल्ली जा चुके हैं, और वहां वो राजा डीसी और भित्री बॉस के साथ राइड भी किए, आप खुद देख लो। एंड फाइनली मानिक अत्री ब्लॉग्स ने कंप्लीट कर ली है 500K सब्सक्राइबर्स, सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन टू मानिक अत्री। इससे रिलेटेड मानिक कुछ स्टोरीज पोस्ट किए, आप खुद देख लो। सो गाइस फाइनली हमारे 500K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया, तो गाइस थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, ऐसे अपने भाई को सपोर्ट करते रहो। और अभी तुम्हारा भाई जा रहा है भाई दिल्ली एक न्यू सुपर बाइक लेने के लिए, तो जल्दी आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आलिया ब्लॉग्स के बारे में। तो कल जेडा द कॉप की तरफ से एक वीडियो आया जिसमें आलिया ने बताया कि उनकी न्यू सुपर बाइक हायाबुसा होगी। अगर ये लेगा तो मैं गुस्से में आके ले लूंगा। मैंने तो पूजा लेनी है यार, सीधी जवाब मैं हाया पूजा लूंगा जब भी लूंगा। अपनी वाली बेचते हो अभी दे दो, बेचनी अपनी वाली। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राजा डीसी के बारे में। तो आपको पता होगा कि राजा डीसी के साथ एक राइडर राइड कर रहा था तो उसका कुछ ऐसा क्रेश हो गया था। रेस की भाई रेस लगी है उस वाले बंदे के साथ, अब मैं उनको पीछे से कवर करूंगा भाई। ओ हो। तो अभी राजा डीसी की तरफ से एक ब्लॉग आया जिसमें वो बताए कि जिस राइडर का क्रेश हुआ था ना उससे कुछ हुआ है और ना ही उसकी बाइक को कुछ हुआ है। आप इनके वीडियो का एक छोटा सा क्लिप देख लो। बाइक टूटी कहां से थी एक्चुअली, ये देखो सामने आपको भाई निशान दिख रहे होंगे और साइड से, ये तो भाई ये क्रैश गार्ड है ना, बाइक को बहुत ही ज्यादा बचाया है। तो भाई मैं क्या बताऊं आपको भाई इसकी क्वालिटी, बाइक की क्या, भाई गाड़ी की हालत तो आपने देखी होगी कि भाई गाड़ी की क्या हालत हो गई थी, बट भाई बाइक को कुछ भी नहीं हुआ यार। देख लो भाई दूसरी तरफ से भी देख लो,
बाइक एकदम नीट एंड क्लीन है। क्या पे लगी थी और सर पे लगी थी आपने, जैसे कि देखा बेहोश हो गया था भाई मैं, और वो तो भाई है भाई थे। हाँ शफकत भाई, शफकत भाई मौके पे कसम से भाई, ये तो क्या हो गया भाई के साथ। तो भाई सबसे सही बात ये थी कि भाई ने राइडिंग जैकेट वेयर की हुई थी, उसकी वजह से भाई बच गए। अगर नहीं की होती तो भाई को बहुत ज्यादा लग जानी थी। भाई हेलमेट की स्ट्रिप हमेशा लगाओ, भाई सीट मिल गई। भाई आपने देखा होगा हेलमेट कैसे उड़ के गिरा था, वो इसलिए उड़ा था ना, स्ट्रिप नीचे से बंद नहीं की हुई थी। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।